श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, मेरे बांके बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो यहाँ तो दर्शन करेंगे ही, और जो नया सेटअप एक चीज और रखी है उसके भी दर्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन करते हैं कि अंदर का क्या अरेंजमेंट हमने रखा है पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से। तो वो सब आपको अब देखने को मिलेगा। तो ये है आज का ठाकुर जी का पुष्प बंगला, जिस पे आप यहाँ देखिए लिख रहा है मेरे बांके बिहारी। तो इसके दर्शन यहाँ से करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आज ठाकुर जी को, बिहारी जी को, आज बिहारी जी को हमने किसमें निमंत्रण दिया है, आज बिहारी जी को अशोक वाटिका में विराजमान कराया है, जो आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये पहली बार ऐसा है कि ये लाइटिंग्स वगैरह जो हमने की है अरेंजमेंट, वो सब आप देखेंगे। और ये जो स्थली आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भी गुलाब से भर देंगे हम, तो पूजा भी करेंगे, ठाकुर जी की आराधना भी करेंगे। और यहाँ पर मेरे और उनके श्री चरणों में हमारे पूरे भक्त परिवार का नाम आ रहा है, जो हमने फूलों से लिखवाया है मेरे बांके बिहारी। पंडित जी झांकी इसमें लगा दो, बीच में फंसा दो दोनों। और ये झांकी के भी दर्शन आप करेंगे, जिस पे लिख रहा है मेरे बांके बिहारी, इसको इधर लगा दो, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ये ऊपर बंधनमान भी लगवा दी है मेरे बांके बिहारी की। और ये यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया सेटअप है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको, एक और सेटअप हमने रखा है, जो बोला था ना आप लोगों से सरप्राइज है। तो भाई मेरे बांके बिहारी परिवार का फूल बंगला हो, सरप्राइज ना हो, आनंद ना आए, वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ तो दर्शन आप करोगे ही, पूजा में सब लोग शामिल होना। और ये देखिए पतंग जो है, ये भी एक भक्त द्वारा हमारे पास भेजी गई थी, इस पर लिख रहा है मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। और यहाँ पर भी देखिए हर पतंग पे आपको लिखा मिलेगा मेरे बांके बिहारी। और जो सेटअप हमने रखा है वो यहाँ शिव जी को विराजमान कराया। और अभी ये फाउंटेन चलेगा, कितनी देर में चलेगा ये? अच्छा ठीक है, ये जैसे ही भर जाएगा तो ये फाउंटेन भी चलेगा। और यहाँ उसका भी लाइव चलाएंगे फिर से एक बार और आएंगे, लेकिन क्योंकि पहले ऊपर का एक बार अरेंज नज़ारा देख लेते हैं, सामने का अद्भुत नज़ारा। भैया आज तो ना आनंद ही आगो, देखो जिसको देखो वीडियो बनाने में लग रहा है, ये देखो ये देखो। तो मान लो कि भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड था आप लोगों से मिलने के लिए आज के लाइव में, और सबसे ज़्यादा ना मैं नर्वस भी था कि भाई कैसा होगा अरेंजमेंट। पूरी इतने दिन से मेहनत करी है, पूरी दोपहर आज यहीं पर लगा हूँ, पूरी मेहनत की है, क्योंकि मैं चाहता था कि बेस्ट से बेस्ट हो सके। और अब आपको चीज़ें दिखाते हैं कि बहुत सी चीज़ें अभी जो आपने शायद नज़ारे में नहीं देखी हो वो दिखाते हैं। देखिए हमने ना यहाँ पर सब पे फल लगवाए हैं जी, ये अनन्नास लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सब पे फल हैं। और ठाकुर जी को, जो गुरुजी बोलते हैं हम लोग, ठाकुर जी को जिस छत्र के नीचे विराजमान करवाए उसके दर्शन देखो, तो उसके दर्शन भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको फलों के नज़ारे देखने को मिलेंगे। पूरी बुर्जी जो है ये फलों से बनाई है, जिसमें मौसम्मी है, अंगूर है, सब कुछ है। और ये मोर देखिए, यहाँ मोर है, यहाँ भी मोर विराजमान है, और निकुंज वन में भी मोर है, उधर भी मोर है, ये देखिए, और इस तरफ भी मोर, ये देखिए, जिसको देखिए फोटोग्राफी करवाने में लगा है, क्योंकि आनंद सब ले रहे हैं, क्योंकि भाई पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का बंगला है आज का। यहाँ से देखिए, ये हमने केले के पेड़ भी लगवाए हैं, तो ये पूरा अरेंजमेंट किया है। और ऐसा नज़ारा आप ये देखिए लाइटिंग का, जो अद्भुत है। और अभी जैसे ही ये शाम और ढलेगी, ये और अपना कमाल दिखाएंगी। लेकिन अब चलते हैं पूजा के लिए, तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ पूजन के लिए, क्योंकि पूजन करने के लिए हम चल रहे हैं। आओ अब पूजन स्टार्ट करेंगे, आओ पंडित जी, ये ले, परेशान है, पहले तो सफाई कर लेंगे।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो पूजा अर्चना में सब लोग शामिल होंगे और ठाकुर जी की प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग जैसे बताया था पुष्प वगैरह ये रख लो उधर, जब तक उस साइड में गद्दा ला, छोड़ छोड़ तू ये पकड़ने का। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो बीच बीच में यहाँ भी घूमते रहिए, इसका पानी भरने दीजिए, फिर यहाँ सेटअप भी करें, घूमेंगे आनंद लेंगे और उसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त लोग आनंद ले सकें।
हरी श्री हरिदास। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ठाकुर जी यहाँ इस तरीके से लाइटिंग वगैरह में, और यहाँ ये देखिए अब आज फलों की ये बनवाई गई है पूरी, ठाकुर जी इसमें विराजमान है, और यहाँ भी देखिए पूरे में फलों की ही लटकन है, इधर भी, और यहाँ निकुंज वन में मोर विराजमान है। Yeah.
कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये बाहर का नज़ारा, हमने ना पतंग भी लगवाई हैं, बड़ा मन था इसीलिए, और ये बड़ी ज़बरदस्त पतंग लगी हैं, भेजी हैं भक्त ने लगाने के लिए, और फिर से पुष्प आ गए हैं, तो आप लोग भी पुष्प रखिए और हम भी पुष्प हैं और पूजन तो कर ही रहे हैं। ये लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो ये तो हुआ हमारा पूजन, और अब यहाँ पर पंडित जी थापे लगाएंगे, इत्र रख लेना, ले ले ये रख दो आराम से, वहाँ रखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भाई पूरे मेरे बाकी वारी भक्त परिवार की तरफ से थापे तो बनते हैं ना, और बस मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही इसमें पानी भरे और ये फाउंटेन जो है चलने लगे। और आज ना गंगा दशहरा तो कल है, लेकिन हमने आज ही यहाँ सेलिब्रेट किया है इसको, यहाँ शिव जी को यहाँ विराजमान कराकर। और अब सब लोगों के कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ज़रूर करिएगा श्री कुंज बिहारी श्री भरदास, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहला फूल बंगला है मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का। तो आप सभी लोग लाइक भी चाहिए और शेयर भी चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि आप सब ने जो सब ने हम सब ने मिलकर जो फूल बंगला रखा है वो कितना अद्भुत है, कितना सुंदर, कितना अद्भुत इसका नज़ारा है। और ये जो बॉल रखी है ये ठाकुर जी का सेब है जी, सेब, ये सेब बनाया। और यहाँ पर तो पूरा ये पहली बार है, ये अभी तक का पहली बार है। देखिए यहाँ पर ये फूल भी लटकाए हैं और मोर भी बने हुए हैं यहाँ। और अब ये जो फूल बंगला है ये हमारे मेरे बाकी नहीं।
तो अब सब लोग आप इसको कर देना, भंडारी करेगा, पीछे कर दो ये सब फूल, ठाकुर जी के बैठने के लिए अब स्थान बनाओ। तो ये तो हो गया हमारा संकल्प भी, पूजन भी, और अब वो डलिया सारी रखवाओ वहाँ पर आगे उस तरफ प्रसाद की डलिया भी, और जो फूल है ना ये वाले ये यहाँ पर बिछेंगे। पहले डलिया करवा दो, तो यहाँ से आप लोग आनंदमयी नज़ारा भी देख सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया है कि हमने सैटरडे चूज़ किया है, सैटरडे संडे, क्योंकि अभी दर्शन बंद हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगा है, ये पहली बार हुई है, तो जो चीज़ पहली बार होती है ना उसमें वक्त लगता है, तो वक्त इसीलिए लगा है। ये अभी रख लो फूल, पहले डलिया बिछा लो वहाँ पर। अब आप लोग इसका आनंदमयी नज़ारा देख सकते हैं आज के भव्य फूल बंगले का। और ये पूरा निकुंज वन बनाया है हमने ठाकुर जी के लिए महाराज का। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रात्रि में आज हम लाइव आरती करेंगे, और लाइव आरती भी आज हम फेसबुक से ही करेंगे, और फिर उसके बाद हम फूल श्रृंगार के दर्शन करेंगे और फूल पोशाक। आज हमने बिहारी जी को फूल श्रृंगार तो आपने कल भी देखा था, लेकिन आज जो बिहारी जी की पोशाक है ना, जो मेरे बांकी बारी भक्त परिवार की ओर से बनवाई है मैंने, वो भी फूलों की पोशाक है। जो कलियां उनके जो एक वस्त्र आता है उस पर लगा के एक एक चुनकर कलियां लगाई गई हैं, और वो फूलों की पोशाक ठाकुर जी को धारण हो रही हुई है। तो ठाकुर जी के जो दर्शन होंगे आज, जितने भी भक्त लोग यहाँ, भक्त लोग तो खैर सभी हम ही लोग हो जाएंगे भक्त लोग, क्योंकि हम गोस्वामी जो सिक्योरिटी है ये सब जितने भी हैं यही सब भक्त लोग होंगे। तो ये जो दर्शन करेंगे, ये डलिया लगा दो, केवल यहाँ बिछाएंगे, यहाँ फूल बिछा देंगे फिर गुलाब के। हाँ, ये फूल श्रृंगार के अभी आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये धारण नहीं हुआ है, और फूल पोशाक तो अंदर चली गई है। ये दीप, ये दीपक भी पहुँचा दो अंदर, तो दीप प्रज्वलित के भी दर्शन, फूल श्रृंगार के भी दर्शन। और ये जो देखिए हम लोग यहाँ, एक मोर यहाँ विराजमान है, एक निकुंज वन में यहाँ है, इसके साथ दो ठाकुर जी के यहाँ पर विराजमान है, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ पर देखिए मेरे बाकी वाली भक्त बहुत सुंदर वंदनमान बनाकर भेजी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी जो इसकी लटकन है। जैसे एक लाइन है, कमर बंद की लटकन न्यारी, चरण छुपाए श्री बांके बिहारी, लेकिन आज हम कहेंगे बंधन मान की लटकन न्यारी, कमर बंद की लटकन न्यारी, दर्शन दे मुस्कुराते श्री बांके बिहारी, ये लाइन आज हमने अपने आप बनाई। और यहाँ पूजन करके अब ठाकुर जी को ये, और हमने ना
संकल्प भी कर लिया है मैंने पूरा मेरे बांकी वाली भक्त परिवार को लेकर, तो जो आनंद आएगा वो अद्भुत है। 15-20 मिनट लगेंगे अभी दर्शन खुलने में। और ये तो फूलों से भाई लगवाया है पूरा मेरे बांके बिहारी। तो आज ठाकुर जी की अद्भुत कृपा हम सब पर हो रही है और पूरे मेरे बांके वाली भक्त परिवार पर आज बिहारी जी की अद्भुत कृपा है। और ये देखिए जी फाउंटेन शो चालू हो गया है। यहाँ पर गुलाब बिछा दो तीनों पे, यहाँ बीच में और इधर पूरे इधर, यहाँ तक केवल इस तरफ छोड़ देना, केवल यहीं तक इसमें और उसमें दोनों पे। यहाँ से भी दर्शन करते हैं। अच्छा बाकी बात बिछाना गुलाब। हाँ प्रणाम करो चाचा के। चित्रपट कुंज बिहारी श्री हरदास। तो चलते हैं यहाँ नज़ारा देखने। अभी चालू होगा लेकिन जब तक इसका भी आनंद लेते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। भाई आनंद तो बहुत आ रहा है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो ठाकुर जी की जो अद्भुत लीला है वो कृपा है। मिल रही है जी। और आज हमने इसके साथ में प्रसाद जो रखा है, तो चलते हैं प्रसाद के दर्शन करने के लिए। ठीक है जी भैया निकल जाएं। चलते हैं प्रसाद के दर्शन करने के लिए। संकल्प भी हो गया, पूजा भी हो गई, लेकिन अभी भी मन नहीं भर रहा है। ये नज़ारा आप लोगों को दिखाने से भी मेरा मन नहीं भर रहा है और आप लोगों का भी नहीं भर रहा होगा देखने से। अभी फाउंटेन शो तो रह गया भाई देखना ठाकुर जी का। और ये हमारे चित्रपट बिहारी जी से मुलाकात करके अब जा रहे हैं। फूल बूंदी तो बाहर बटेगी, वो बाहर पहुंचा देंगे अभी बस। तो ये प्रसाद की डलियां बनवाई हैं और इनको भोग लगवा के पैक करा दिया है। और ये कितनी देर में आएगी आपकी बोली? अभी 12 बजे तो कितने बजे आएंगे बताओ, जब ही बांट देंगे। ठीक है तो हाँ भोग पे बटवा देना जब मन करे आपका। ये दीपक अंदर पहुंचा दो लोड़ी। कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये जो प्रसाद है ये पता है हमने किन के लिए रखा है, ये किन को दे रहे हैं? देखिए बूंदी का प्रसाद तो अलग भक्तों में बटेगा। बूंदी बाहर रखवा दो, बूंदी रखवा दो बाहर। बूंदी का प्रसाद तो बाहर भक्तों में बटेगा, लेकिन ये जो डलियां हैं ये पूरा जो पूरा फूल बंगला जिन लेबर ने जो लोगों ने जो भक्तों ने बनाया है, जो कि ये बनाते हैं जिनका ये काम है, उन्होंने ये जो बनाया है इसको भी रख लो पहले, इसको लपेट के चादर। और ये तो जो बनाया है भक्तों ने ये फूल बंगला पूरा यहाँ का अंदर का बाहर का, ये उनके लिए प्रसाद रखा है मैंने। क्योंकि हम लोग हमेशा उन लोगों को तो भूल जाते हैं जिनकी इसके पीछे मेहनत है, लेकिन मेरे बांके वाली भक्त परिवार नहीं भूलेगा, मैं भी नहीं भूलूँगा। तो ये डलिया इनके साथ पानी की बॉटल्स और ये प्रसाद इनका, यानी कि आज का जो भोजन है उनका डिनर प्रसाद, वो प्रसाद हमारी तरफ से है। तो हमने भोग लगवा दिया है, अब वो भोग पर आएंगे तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये देखिए पूरी बकायदा हमने पूरी पाइपिंग कराई है ये पेड़ों पर, और ये सारे पेड़ ओरिजिनल हमने लिए हैं ठाकुर जी को निकुंज वन में आज तो विराजमान करवाना है। और विराजमान कौन करा रहा है? मेरे बांके बिहारी पूरा भक्त परिवार मिलके। ये देखिए यहाँ से ये नज़ारा भाई बहुत अद्भुत है। क्यों, मैं आज पूरी दोपहर बैठा हूँ एंड सीरियसली मेरा मन नहीं किया जाने का, एक एक चीज़ को देखने का, एक एक चीज़ को बारीकी से लगाने का, एक एक चीज़ को बारीकी से बनवाने का कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए।
आनंद आ गया लेकिन सीरियसली। और शायद इसी वजह से मैं सुबह लाइव आने की सोच रहा था लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि भाई यही नज़ारा अद्भुत था मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। आज जहाँ देखोगे ना, ठाकुर जी ने कृपा की है, हर जगह मेरे बांके बिहारी लिख रहा है। और अभी बस शुरू हो रहा है फाउंटेन जी, लोग देखो जो यहाँ सिक्योरिटी वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब इसको भी देखने के लिए लालायित हैं। तो ये कुछ तो ऐसा किया ना, कुछ तो ऐसा किया जो सब लोग देखना चाहते हों। तो सोचो अगर दर्शन खुले होते, भक्त तो लोग भी पागल हो जाते, कोई जाने का मन नहीं करता। इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता, इतने सुंदर दिव्य दर्शन देखने को मिलते। अब जाओ बूंदी का बाहर रखवा दो, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। हाँ उसको भी दो, सबको दो प्रसाद, किसी को मना मत करो, प्रसाद सबके लिए, आपके लिए पूरा सेटअप तैयार है। अब ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करवाइए। कुंज बिहारी आओ भैया, श्री हरदास, श्री हरदास। तो अब ठाकुर जी आने वाले हैं। भंडारी फटाफट ये बंद करो पूरा, ठाकुर जी आएंगे। पर्दे लगाओ और बड़ा पर्दा भी लगाओ और कूलर सेट करो। एक बार रुकियो बस है, एक मिनट रुकियो। कुंज बिहारी श्री हरिदास बांके के नीचे रखा है। पता है इसको नाम ये ऐसा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बांके बिहारी मेरे, मेरे बिहारी बांके, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे बांके बिहारी ग्रुप बना है भाई, बिहारी जी का जो भक्त परिवार हम बन गया है, उसका तो अद्भुत नज़ारा है ना ये देखने के लिए। मेरे बांके बिहारी, जय हो जय हो। अब बंद कर लो। तो इसको बंद कर दिया है और अब चलते हैं फाउंटेन शो देखने। भैया ये चालू हो चुका है, नेक्स्ट जगह दियो, नेक्स्ट जगह दियो भैया। तो भैया ये लो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास तो यहाँ विराजमान हैं, भोलेनाथ शंकर भगवान। महेश भैया एलईडी ऊपर से लग रही है, अगर कहो एक फिक्स कलर में तो एक कलर मिलेगा नीचे, हाँ फिर एक कलर में लगानी पड़ेगी, कलर का फिक्स एक कलर। तो अभी नीचे नीचे कहाँ लगाओगे? अरे ऊपर से ही लग रही हैं दो, और झुकवा दूंगा 44 एलईडी लग रही है हमारी टोटल, चार ऊपर भी लगा दी ना अलग। हाँ अलग है। अच्छा सुनो, वो लड़के को रुकेंगे जुगाड़ कर दिया, पहले ही कह दे रहा हूँ क्योंकि करंट वरंट बता रहा हूँ, बैठा दूंगा ना यहाँ, बैठा दूंगा बाहर, सब कोई दिक्कत नहीं है। लो जी अब ठाकुर जी के लिए तो गेट हो चुके हैं, पर्दे लग चुके हैं और अब यहाँ करेंगे हम हर हर महादेव। ये पूरा तैयार हो गया सेटअप, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए सब जने लग रहे हैं वीडियो बनाने में, तो यही तो आनंद होना चाहिए ना कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार ने अगर आज बंगला बनवाया, पहली बार फुल बंगला आज मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का बनाया, तो भाई कम से कम 1000 फोटोज तो जानी चाहिए, लोग देखने चाहिए है ना। और यहाँ से भी साइड से देखें तो एक नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन जो ठाकुर जी का जो सेटअप यहाँ लगा है वो अद्भुत है। ये दर्शन और ये पूरा फूल बंगला, और देखिए इसमें भी फल लगाए हैं यहाँ भी, और ये फल भी रात्रि में वितरण होने वाले हैं। यहाँ से दोने लगवा दो, दोने को लगा लेगा भंडारी, उस लगा के बाहर ले जाएगा दोने, उसको पूरा को मत बैठाओ, दोने ले जाएगा। कुंज बिहारी श्री हरदास,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। यहाँ से, हाँ यहाँ से ऊपर से आ जाओ, ये चढ़ के ना यूं आ जाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा, इसमें वो डाल दिया केवड़ा, खुशबू खुशबू आनी चाहिए। इनसे कहा तो था लाने के लिए, फिर तो अंदर से डालना, हम डाल देंगे फिर तो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओहो, तो मेरे तो पापा भी आ गए दर्शन करने के लिए, आनंद लेने के लिए फूल बंगले का। भाई मेरे बाकी वाली भक्त परिवार का बंगला है, तो उस सबका आना बनता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, बढ़िया। जय हो कुंज बिहारी श्री हरदास। तो चले चलते हैं श्री हरदास, श्री हरदास। तो चलते हैं ऊपर आनंद लेने के लिए, और बिहारी जी के समक्ष चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। और क्या नहीं भूला हूँ कि भैया ठाकुर जी के श्री चरणों में फ़ोन रखना है मेरे को। मेरे को तो अच्छे से याद है, आप लोग शायद भूल गए हो। बिहारी जी के श्री चरणों में फ़ोन रखने वाला हूँ मैं, और आप सभी भक्त लोग अपनी अपनी मनोकामना, अपनी अपनी अर्जी, अपनी अपनी जो भी आपकी दिल की ख्वाहिशें हैं, वो सब कुछ बोलेंगे, ताकि आप लोग के मन की मनोकामना पूर्ण हो सके। तो इसीलिए श्री चरणों पर फ़ोन को भी रखेंगे पुष्प के ज़रिए। तो चलते हैं ऊपर जहाँ ठाकुर जी विराजमान है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बस अभी बिहारी जी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, लेकिन देखो जी क्या अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग सब यही जल रही है पूरा। जय हो, बहुत सुंदर। बस ठाकुर जी आने वाले हैं, यहाँ विराजमान होने वाले हैं। ठाकुर जी के लिए पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। राधा रानी की तो पूरा गद्दी वद्दी सब सेट हो चुकी है, बस ठाकुर जी अब विराजमान होने वाले हैं। और जैसे ही ठाकुर जी विराजमान होंगे, हम रखेंगे फ़ोन को उनके श्री चरणों में। तो आप सभी लोग मेरे साथ लाइव बने रहिएगा, क्योंकि मैं बिहारी जी के श्री चरणों में फ़ोन रखूँगा। तो उसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप लोग अपने मन की मनोकामना को बोलेंगे ठाकुर जी से। उनके श्री चरणों में जब मैं फ़ोन को रखूँगा पुष्प के ज़रिए, मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। तब तक आप आनंद लो यहाँ पर। बट आप लोगों को विराजमान कहाँ करूँ, बैठाऊँ कहाँ, वो सेटअप मैं देखता हूँ, लेकिन नहीं तो हाथ में लेके चलता ही हूँ। जी बिहारी जी तो आ गए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, बोल बाके बिहारी लाल की जय। आओ प्रभु, आपके लिए पूरे मेरे बाके बिहारी भक्त परिवार ने पुष्प बंगला बनवाया है। और ये दिव्य दर्शन यहाँ पर अशोक वाटिका के एक निकुंज वन के कहेंगे, निकुंज वन में आज ठाकुर जी को विराजमान करवाया है। और सारा का सारा ना निकुंज वन बिल्कुल सब ओरिजिनल लगाया है हमने, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, ताकि आनंद लो यहाँ पर। कौन पूरे मेरे बाँके वाली परिवार पूरा आनंद लेगा। हरी श्री हरदास। यहाँ मोर बैठा दिए,
निकुंज विहार, आज निकुंज वन में, आज कुंज विहारी हो गए ये, ना आज कुंज विहारी के दर्शन है, आज बाकी विहारी के नहीं है, आज बिल्कुल आज कुंज विहारी के दर्शन है, बाकी विहारी के नहीं है, क्योंकि कुंज विहारी मतलब जो मेरे पास करने वाले, जो मैं भ्रमण करने वाले, जो मैं घूमने वाले, बोल नहीं करिए कोई, हाँ तो आनंद लीजिए और चलते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में। शामिल हुए हैं आप सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सबने शामिल हुए हैं, आप सबसे सभी पूरा मेरे बाकी वाली भक्त परिवार इसमें शामिल है, तो सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है जी। ये सही वो है ना आज कुंज बिहारी निकुंज में कुंजों में बैठे हैं, कुंजों में बैठे हैं कुंज बिहारी, तैयारी हो गई मेरी बाकी बिहारी, ये सेटअप कर दिया भैया, इसमें रखूंगा अब मैं फोन और ले चल रहा हूँ बिहारी जी के श्री चरणों में। सो आर यू रेडी? अपने मन में जो भी मनोकामना हो, जो भी चीज़ें हो ना, सब कुछ अभी फट याद कर लो, लेकिन शुरुआत होगी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास से, और कमेंट्स रुकने नीचे, कमेंट्स में श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आपको करना है और अपनी मन की मनोकामना को बोलते चले जाना है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। क्योंकि आज एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आज सबने मिलकर जो फूल बंगला, जी बिल्कुल, तो आज सबने मिलकर जो फूल बंगला बनवाया है, तो आप सभी का बिहारी जी के श्री चरणों में नमन तो बनता है, तो इसीलिए चलते हैं बिहारी जी के श्री चरणों में नमन करने के लिए। लेकिन इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद ले सकें, ठीक है जी। तो चलते हैं बिहारी जी के पास, और किसी का एक मैसेज पढ़ा है मैंने, कूलर देखे, कूलर के एक्चुअली इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि हवा भी तो ज़रूरी है, गर्मी ना हो, इसलिए कूलर है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत कम शोर है, वो फ़ोन में आपको लग रहा होगा, वरना वो दूर है उस तरफ, इसलिए हम उस तरफ खड़े थे तो यहाँ पर शोर नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप चलते हैं बिहारी जी के श्री चरणों में, फ़ोन को रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो भी मनोकामना बोल दीजिएगा, इसके ज़रिए मैं रखूँगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो अब ठाकुर जी के चरणों में फ़ोन को रख दिया है, तो आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वो बोलिए, लेकिन श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के महामंत्र के साथ, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और प्रणाम कर रहे हैं उनके श्री चरणों में। ओम यस्तु यते श्रुति गणे निपुणे रजस्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिहित सर्व कर्म फलदम निजसेवकानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यम मानसे सुमतयते निधायो साहु जगु सर्दे अर्ध्य अंधकारम तम चंद्रमंडल नकामलि दीपमयानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। येन क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानास्पदं सुखमितेन नूतन विज्ञेतं तपवारणेन वारण सांकुशंकं श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मिन् मनोति भवति प्रसन्नं खिन्नं कद्यद्मि यद्दीक्षणं तं वास्तु वस्ति निरस्य समस्त दुःखं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यस्मात् चुके कसदरं सकलं कुशोभनं तं शुद्ध बुद्धि शुभ्रति समृद्धि हेतुं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरी राधा रानी, हे मेरे स्वामी जी महाराज, जो भी मनोकामना मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के भक्त आपके श्री चरणों में नमन करके कर रहे हों, कृपया उसको पूरा करें। और ये जो सेवा मेरे बाकी वारी भक्त परिवार ने आज की है बिहारी जी, इस सदैव ऐसे ही सेवा हर साल आप बिहारी जी फूल बंगले की सेवा और अन्य सेवा आप मेरे बाकी वारी भक्त परिवार से और हमसे लेते रहें, और अपनी कृपा का पात्र हमें बनाए रखें, अपनी कृपा बरसाए रखें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और देखिए एक चमत्कार कर दिया ठाकुर जी ने, बड़े ही सुंदर चमत्कार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले श्री चरणों से फ़ोन को लेता हूँ,
जैसे ही मनोकामना के लिए बोला है या तो अंगूर आ गए हमारे पास। तो ये कुंज बिहारी श्री हरिदास जय हो भोलेनाथ की जय हो। तो अब और इंतजार नहीं ज्यादा, पान के बीड़ा लग गया और थाल हम आ गए हैं इस तरफ जो बूंदी प्रसाद बंटवाने के लिए बनवाया है उसको भी शायद अभी यहाँ रखा होगा तो देख लेते हैं। और रात्रि में 8:30 बजे से पहले जुड़ेंगे फेसबुक से और लाइव आएंगे। तो ये बूंदी प्रसाद बाहर सभी भक्तों को देने के लिए बनवा के रखवा दिया है और ये जैसे ही दर्शन खुलेंगे बाहर भक्तों को प्रसाद भी वितरण होगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब हम लाइव आएंगे रात्रि में 8:30 बजे के अराउंड आ जाएंगे, 8:30 बजे से थोड़ा सा पहले से आरती करेंगे आज। और बिहारी जी ने क्या फूल श्रृंगार फूल पोशाक धारण किया, फूल पोशाक के दर्शन जो आप करोगे ना, क्योंकि जो उनका लहंगा है, कल जो हमने आपको लहंगे के दर्शन कराए थे लेकिन आज जो लहंगा है ना फूलों का है, तो कैसा राधा रानी का लहंगा है, कैसा बिहारी जी का फूलों का लहंगा है, उसका अद्भुत नज़ारा आप लोगों को देखना है हमारे साथ। तो अभी लेकिन क्यों ना एक लाइव सेशन तो हमने यहाँ विराम दिया है, लेकिन विराम भी देंगे तो यहाँ से इस तरीके से लाइव सेशन को यहाँ विराम नहीं देंगे, हम चलेंगे इस तरह श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज के लाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं, वापस से मुलाकात करेंगे यहाँ पर, ठाकुर जी के दर्शन इस यहाँ कर सकते हैं आप। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इसको शेयर करना मत भूलिएगा, 8:30 बजे सभी आ जाना, लाइव आरती करेंगे आज बिहारी जी की फेसबुक पेज से, आज यूट्यूब से नहीं फेसबुक पेज से करेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।